पड़ोसी भाग में जो अतिक्रमण के नाम पर प्रशासन की तरफ से गलत कार्रवाई हुई थी उसके खिलाफ तौफीक भाई पहलवान जो आवाज़ उठाए, उसके बाद में जो सभागृह में चर्चा हुई, सभागृह में चर्चा के बाद में महापौर तय के ध्यान में ये लागू दिए, प्रशासन की गलती सामने लाने के बाद में पहलवान फिर महापौर तय ने ये सब प्रशासन को और ये सब गठ नेते जैसा कि हमारे महेश अण्णा कोटे विरोधी पक्ष नेते अमोल बापू और आनंद भाऊ चंदन शिवे, सभागृह नेता श्रीनिवास शिवानंद पाटिल, श्रीनिवास करली साहब और दिगर ये सब जो नेता है पक्ष के, वो सब जनों ये विषय के अंदर पहलवान का भी साथ दिए और ये जब ये लड़ाई अब अंतिम टप्पे पर आके ऐसा पहुंची कि जो घर वहाँ से अतिक्रमण के नाम पर हटाए गए थे, ऐसा निर्णय हुआ कि जहाँ उन्होंने थे वहाँ उनको घर बना को मिलना और वो हिसाब से जो है ना महापौर तय के सहायता निधि में से जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिलना, बल्कि तौफीक भाई पहलवान ये बात को अड़ के बैठे थे। अब वो मदद 25,000 की थी, अब 15,000 तक आई, 15,000 की मदद आज हमको सबको मिली और ये 15,000 के अंदर श्रीनिवास करली साहब ने भी और 1,000 की मदद दी और अल्लाह के फजल से पहलवान भी अभी एक बात बोले कि 2 दिनों के अंदर जो है ना पहलवान वहाँ जहाँ घटना घड़ी वहाँ आने वाले हैं और ताज सोशल ग्रुप की वजह से उनकी भी मदद करने वाले हैं। तो हम होड़ेसी भाग से शुक्रिया अदा करते पहलवान को कि अल्लाह ताला जैसा ये जुल्म हुआ, हर अन्याय के जुल्म के अंदर पहलवान जैसा खड़ा होते, उनकी ताकत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ना और जो दिगर नेता उनका साथ दिए, हर बार पहलवान अन्याय के खिलाफ आज खड़े होते तो दिगर नेता हर बार उनका साथ ऐसा देना और उनकी ताकत ऐसा बढ़ना, उनको हम अल्लाह से दुआ करते हैं। तौफीक पहलवान हलते आम्हाला लई मदत केले त्याने, दोनदा हलते, सारखं फोन चालू होता त्यांचा आणि सारखं विचारपूस चालू होती कसं काय म्हणून, अजून घर पडल्यापासून जो त्यांचाच आहे अजून सारखं फोन चालू आहे, आशिष भायाला सारखं फोन करते तर कसं आहे काय नाही, राहायचं कसं खायचं कसं, त्याने आम्हाला लई म्हणजे लई मदत केलं तर तौफीक पहलवान पण केलं तर एम डी शेख पण केलं तर दोन्ही पण नगरसेवका आणि आमच्या बरोबर इथं आवाज पण उठवले त्यांनी महापालिकेला येऊन आमच्या बरोबर दिवसभर त्यांनी बसले होते, आंदोलन सुद्धा काळासून त्यांनी तयार केले होते, पण आम्हाला खरंच लई म्हणजे लई, आता काय आम्हाला पैसे मिळतात का नाही, आम्ही रस्त्यावरच येऊ। आता जे तुम्हाला मदत मिळालेली आहे तुम्हाला कसं वाटतंय मदत मिळाली? आता जर चांगलं वाटायला लागलं बघा, इतकं चांगलं वाटायला ना सगळ्यांचं सगळ्या नगरसेवकांचं, पहिला मी तौफीक पहलवानची माफी मागते आणि त्यांना हात जोडून नम्र विनंती करते की त्यांच्याशी 2 शब्द बोलावं तर त्यांनी गेले सुदुखा, त्यांच्याशीच बोलायचं होतं मला, त्यांनी लई मदत केलं तो आम्हाला खरंच, माझं लेकरं बळात त्यांना आशीर्वाद लागू द्या।